Welcome back. आज वैसे आई वॉज सपोज टू डू लाइक वर्कआउट बट कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्टेड के आप हमें समराइज करके बताएंगे जस्ट वर्कआउट में क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको एक नॉट कंप्लीट डिटेल्ड जस्ट वर्कआउट बट उसका एक समराइज्ड वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि आई डोंट कवर एवरीथिंग इन डिटेल. मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि समटाइम्स बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस का इम्पैक्ट एक ही और होता है और चेस्ट एक बहुत बड़ा मेन मसल है. बट सबसे पहले चेस्ट शुरू करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रेचिंग है आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है. चेस्ट शुरू करने से पहले ये इस तरह ये सी ये ठीक है. और उसके बाद आपने करना क्या है कि लाइट वेट ये वाला लेके विच इज़ 5 kgs तो हम उससे हल्की हल्की फ्लाइज शुरू करेंगे. बट सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी प्रोटेक्शन हैंड प्रोटेक्शन ऑन हो और हार्ट बीट मॉनिटर को ऑन रखेंगे हम. राइट तो सबसे पहले हम लाइट फ्लाइज शुरू करेंगे उससे होगा कि और सबसे साथ आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल जो है आपने रोकनी नहीं, रोक के नहीं करना आपने सांस, ये नहीं करना, आराम से कीप ब्रीदिंग. ओके तो एंगल को नोट करना. राइट ये देखो उसको डंबल को स्ट्रेट रखना है. डंबल ऐसे नहीं होना चाहिए, डंबल स्ट्रेट वापस लाते हुए कीप एन आई ऑन द डंबल. डंबल को देखते रहो बिल्कुल स्ट्रेट. ये स्ट्रेट रख स्ट्रेट रख स्ट्रेट स्ट्रेट 2 3 और इसको थोड़ा सा चेस्ट के नीचे रखना है, ऊपर नहीं, इधर नहीं रखना, इधर रखना है. ठीक है उससे होगा कि आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और ये एक अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है. जब 5 आपके इस पोजीशन में हो जाए इसको फिर आपने चेस्ट पे लैंड करवाना है इन अ वे कि डंबल के दोनों साइड्स चेस्ट को और पेट की अपर साइड और चेस्ट की लोअर साइड को सेम टाइम पे लगे. आपको एक छोट हल्का हल्का चेस्ट के ऊपर स्क्वीज भी फील होगा कि चेस्ट स्क्वीज हो रही है, वार्म अप हो रही है. फिर उसके बाद एक पोजीशन ऑफ डंबल 2 और 3 चेस्ट की एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि कौन सबसे हैवी बेंच प्रेस लगाता है. उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. नॉट एवरीथिंग इज अबाउट हु डज द हैवीएस्ट ऑफ द वेट. इट्स नॉट अबाउट द वेट. सारा वर्कआउट होता है एंगल्स, रेपिटिशंस और स्टेमिना आप बिल्ड करें क्योंकि ठीक है. अच्छा जब आपका एक दफ़ा ये फ्लाइज हो गया तो उसके बाद आपने करना क्या है, पुशअप्स, क्योंकि हम इस टाइम पे चेस्ट को वार्म अप कर रहे हैं. राइट अब ये देखो ये मेरी पोजीशन ठीक नहीं बनी, इसको हम थोड़ा इधर नीचे पुल करेंगे. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस. राइट सो ये हमने कर लिया पुशअप्स. हमारा एक टेंटेटिव सा वर्कआउट हो गया है चेस्ट का कि हमारी चेस्ट ओपन हो गई है. अब आप कहोगे कि ये दोबारा से वही वर्कआउट कर रहा है पैक्स वाला. यस क्योंकि चेस्ट में इस पोर्शन के साथ साथ अपर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपर पोर्शन के लिए चेस्ट को इधर प्लांट करना है आपने, हार्ड प्लांट. इसको क्लोज ग्रिप नहीं लेनी, इसकी वाइड ग्रिप लेनी है. ठीक है और इसको ग्रिप ऐसे नहीं, ऐसे करना है. ठीक है ताकि आपका फोर आर्म बिल्कुल सीधा हो. चेस्ट प्लांट फर्म ग्रिप 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वही बात दोबारा करूँगा, ये मैं एक एक सेट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही सेट है। इस एक एक वर्कआउट के आपने एटलीस्ट चार चार सेट करने हैं विद डिफरेंट वेट वेरिएशंस, अदरवाइज तो वो 10 मिनट में फारिग हो जाओगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज टाइम डज मैटर। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आपने स्ट्रेट वे फ्लाइज पे आना है, ठीक है। फ्लाइज हमने पहले किए हैं लाइट से, अब हम थोड़ी सी उसकी वेरिएशन डिफरेंट करेंगे। तो एंगल के ऊपर ज़रा नोट करना, राइट एंगल देखो, जब हमने शोल्डर किया था हमने इसको ऐसे लॉकिंग किया हुआ था, ठीक है। अब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो हम टोटली इसको ऑपोजिट लेके आएंगे, ठीक है। अब इस तरह का हमारा लॉकिंग होगा, और मेक श्योर करना डंबल ऐसे ऐसे ना हो, एक दूसरे को फेस करें, ये हैमर स्टाइल में, हैमर स्टाइल में हैमरिंग जैसे करते हैं, एक इनविजिबल हैमरिंग पेट की तरफ, पेट की तरफ, पेट की तरफ है, दोबारा से पेट की तरफ, और इधर होल्ड करो, 1 2 3 4 5। तो इसमें आपने नोट किया कि जब मैंने अपर पैक्स के लिए करना था, जब शोल्डर्स के लिए मैं इधर लेके आना था, तो मैंने डंबल को ऐसे रखा था। अब क्योंकि मैंने चेस्ट पे लेके आना है, तो मैंने डंबल को थोड़ा सा इनवर्ड्स किया है, दो डिफरेंट पोजीशंस, मसल ग्रुप की गेम चेंज हो जाती है। ओके, इस चीज़ को आपने बहुत कंसिडरेशन करनी है। और वंस आपके पैक्स हो जाएं और ये फ्लाइज के आपके डिफरेंट सेट हो जाएं, मेक श्योर करो कि उसके बाद देन आफ्टर दैट यू कम टू द बेंच प्रेस। पहले क्योंकि हम अभी स्ट्रेट पे ही कर रहे हैं बेंच के ऊपर ये सारा वर्कआउट जो हमने फ्लाइज का किया है, तो हम बेंच भी स्ट्रेट पे ही करेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेट बेंच है वो आपके इस एरिया को एड्रेस करेगा, सेंटर वाले चेस्ट को। जब आप बेंच को इंक्लाइन कर देंगे, वो आपके नेक लाइन के नीचे जो ब्यूटी बोन है, ब्यूटी बोन के नीचे का जो मसल है पैक्स का, वो उसको एड्रेस करेगा, ठीक है। और जब आप उसको डिक्लाइन करेंगे, वो आपकी लोअर चेस्ट की जो लाइन है बिटवीन योर रिब केज एंड जो चेस्ट लाइन, वो उसको एड्रेस करेगा, ठीक है। तो आपको तीनों करके मैं दिखाता हूँ, एंगल को देखना और ग्रिप को नोट करना कि मैं ग्रिप कैसे ले रहा हूँ। ओके, फिर बताता चलूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ फिटनेस फैनेटिक हूँ। सिर्फ डिफरेंस ये है कि कर करके वो कुछ ना कुछ बंदे का बन ही जाता है। एनी हाउ कंटिन्यू, राइट। अब देखो, एक ग्रिप होती है इनर, हमने इनर ग्रिप नहीं लेनी, ठीक है। वही प्रिंसिपल, वही मेथड, हम लेंगे आउटर ग्रिप, ठीक है। ये हमने इक्वल मेजरमेंट कर ली और इसको हमने एग्जैक्ट अपने चेस्ट के सेंटर में टच करना है। टच इट, 1 2, कीप ब्रीदिंग, लेट के बोलने रहते गले में थूक फंस सकता है। एनीवेज, सो ये हमारा स्ट्रेट बेंच के 10 से 11 रैप्स थे, जो कि एक सेट है। बट दैट डज नॉट मीन कि ये एक सेट पूरी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने वेट बढ़ाते जाना है, ठीक है। आई विल इंक्रीज द वेट एंड आई विल शो यू कि ज़्यादा वेट के साथ भी हो सकती है। एनीवेज, नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमारा जब स्ट्रेट बेंच हो जाएगा, उसके बाद हम रॉड को रिमूव करके, वेल वो मेरा सस्ता इक्विपमेंट है यार, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो ऑब्वियसली आई हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस। एनीवेज, सो अब आपने पहले फ्लैट बेंच पे नोट किया कि हमने फ्लाइज की प्रेसिंग की और बेंच प्रेस किया। अब हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इंक्लाइंड के ऊपर, क्योंकि पहले हमने सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट को ड्रेस किया है, अब हम अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट को ड्रेस करेंगे। ओके, सो
Save your head. And I don't need a belt. Okay. So, ये पोजीशन देख रहे हो? मेक श्योर योर लेग्स आर लॉक्ड इन, ठीक है? या इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस हियर, कीप योर फीट प्लांटेड. ओके, ठीक है. अब इसकी भी ग्रिप सेम है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एजेस, और इसको लाके अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे टच करो और इसको आगे की तरफ लेके जाओ. इधर नहीं लेके आना, ठीक है? आगे की तरफ लेके जाना है. टच इट टू द टॉप ऑफ योर चेस्ट एंड पुश इट टूवर्ड्स योर स्टमक. टॉप ऑफ द चेस्ट, पुश इट, धक्का दो उसको अपने पेट की तरफ. आने दो इसको और फिर धक्का दो इसको पेट की तरफ और ब्रीदिंग करते रहो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10. ये हमारा पहला सेट था इंक्लाइंड बेंच प्रेस का, जिसपे हमने सिर्फ अभी 10-10 के डंबल लगाए हैं और कोई 10 किलो का रोड है, राइट? अब हम करेंगे क्या कि इंक्लाइंड फ्लाइज की तरफ आएंगे, जो कि हमारे पैक्स को और हमारी बोन के नीचे के मसल को पकड़ेगी. सो टेक योर 10 kgs, 15 तो उठा लूंगा फिर आवाज नहीं निकलेगी. एनीवेज, सो डंबल पोजीशन मैटर्स. डंबल स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं रखना, ये कोई फायदा नहीं है इसका. ऐसे ये और ये ग्रिप, इसको ऐसे आने दो. कीप इट स्ट्रेट, कीप इट स्ट्रेट, कीप इट स्ट्रेट. वन आया, ब्रिंग इट टू द लैंडिंग पॉइंट, टेक इट अप, फिर उसको फ्लाई अप, लैंडिंग पॉइंट अप, गो वाइड, वापस पोजीशन नहीं छेड़नी, लैंडिंग पॉइंट अप, यू गो वाइड अप एंड लैंडिंग पॉइंट. इस मसल ने की एक्सरसाइज होती है इंक्लाइन में, हमने वाइड लेके गए हैं फ्लाई की तरफ, ठीक है? जब फ्लाई के वाइड गए हैं, मैं उसको फिर ऊपर लाया हूँ चेस्ट की तरफ, ठीक है? सो टू कंक्लूड इट, आई ब्रॉट इट डाउन, कि पहले मैंने चेस्ट को कंप्रेस किया है और फिर जो सेंट्रल लाइन है उसको मैंने इन्फोर्स किया है, ठीक है? लाइक दिस. और ये पोजिशन ये नहीं, ये उसको ला के इधर टच करो, लैंडिंग करो. लैंडिंग करोगे डंबल इक्वल लैंड करेगा क्योंकि तुम इंक्लाइंड पे हो, ठीक है? उससे होगा कि यू हैव अ मच मोर कंप्रेस्ड चेस्ट एंड लाइन डिफाइंड हो जाएगी. अच्छा, अब क्योंकि हमने इंक्लाइंड को ड्रेस कर लिया है, अब हम सेम प्रिंसिपल लगाएंगे डिक्लाइंड की तरफ. सो स्ट्रेट, इंक्लाइंड और सेम प्रिंसिपल डिक्लाइंड. पर डिफरेंस क्या है? जब आप स्ट्रेट बेंच करते हैं, दिस इज योर लाइन जिस पे आपने रॉड टच करना है. जब आप इंक्लाइन करते हैं, दिस इज योर लाइन जिधर आपने रॉड टच करना है. अब हम डिक्लाइन करेंगे तो दिस इज योर एरिया जहां पे आप पॉइंट पे रिप पे आपने टच करना है उसे, और उसको भी पेट की तरफ पुश करना है. ये नहीं करना है कि उठा के इधर पीछे ले जाना है, वो चेस्ट पे असर कोई नहीं आएगा. ये एंगल्स बहुत क्रूशल होते हैं, इसीलिए मैं बहुत सारे लड़के जो वो वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं उनको मैं बार बार ये कहता हूँ, वजन पे मत ध्यान दो, एंगल पे ध्यान दो, कंसंट्रेशन रखो, फोकस रखो, अदरवाइज मसल बिल्डअप तो कभी भी नहीं होगा, भद्दे हो जाओगे. क्योंकि हैवी वेट से आप सिर्फ भद्दे होते हैं, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 86 kg, सो आई एम नाउ ऑलमोस्ट 68, तो वो 20 किलो शेड करते करते लग पता जाता है. एनीवेज, ओके, अब ये देखो प्रॉपर डिक्लाइन पोजीशन आ गई. अच्छा, अब डिक्लाइन में आपने जो ग्रिप है वो ये नहीं रखनी, वाइड नहीं रखनी. डिक्लाइन में आपने इनर ग्रिप रखनी है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है? ये देखो, ये देखो मैं कितना टच कर, यहाँ पे इसको पेट की तरफ धक्का लेके जाओ. 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन। ओके, सो अपर सेंटर और ये लोअर। जब इसको यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपकी चेस्ट की एक लाइन डिफाइन होना शुरू हो जाएगी। ओके, इसमें रिकमेंडेशन है कि डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना करना, अदरवाइज इट लुक्स ऑकवर्ड। ओके, थोड़ी ऑकवर्ड शेप बन जाती चेस्ट की, अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग मूव्स। ओके, सो नाउ जो डिक्लाइंड के ऊपर स्ट्रेचिंग है, जो चेस्ट प्रेसिंग है, सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आप लिटरली लंग्स से अंदर से रिप होते हो। ओके, सो वन टू लॉफ्ट, ये बैलेंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये पेट की तरफ। और सेम प्रिंसिपल लैंडिंग, अपर पॉइंट अंडर द चेस्ट एंड पुश इट अप, फिर वाइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और नीचे लैंड, इसमें आप बैलेंस भी मेंटेन करो, यू डोंट हैव टू फॉल, गिरना नहीं तो खपे से जो पड़े होगे। ओके, टू एंड थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और डाउन लैंड, वन करना, पांच से तक दस से बैठो एनी वेज रियल एनी वेज। सो स्ट्रेट, इंक्लाइंड, डिक्लाइंड, प्रेसिंग एंड चेस्ट में बहुत ज़्यादा वर्कआउट निकालने की जरूरत नहीं है, इनोवेशंस ना निकालो, उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम मसल को वर्कआउट करोगे, मसल उल्टा बिल्ड होने की बजाय छोटा हो जाएगा, वो स्प्रेड आउट नहीं होगा। जब आप उसको हर तरफ से वेट ही दिए जा रहे हो और लिमिट नहीं कर रहे हो, वो आपका बिल्ड नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। ओके, एंड टू क्लोज इट अप, पुशअप्स, बीस बीस के सेट कर लो, पाँच कर लो, सौ निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही झटके में सौ करो, ज़रूरी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन भी हो भी तो कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं कंपटीशन के एंड में कोई बेंटली तो मिलनी नहीं। तो बॉयज, ये एक चेस्ट के वर्कआउट की समरी थी, और ये जो मैंने जितनी एक्सरसाइज की है, ये एक सेट था विद वन वेट। आपने इस सारे वर्कआउट को तीन से चार सेट्स पे डिवाइड करना है। आपका ये पूरा रूटीन तकरीबन सात से आठ मिनट लगता है, और आपने इस सात से आठ मिनट को फोर टू फाइव में डिवाइड करना है। एंड नेवर फॉरगेट वन थिंग, हाइड्रेट 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 हाइड्रेट, नो जिंगल जूस, सिंपल वाटर। अगला सवाल एक आया मुझे कि सर डाइट क्या रखनी है, प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत नहीं, नो नीड टू टेक एनी आर्टिफिशियल थिंग्स, बैलेंस डाइट लो, अच्छी प्रोटीन लो, मीट, चिकन, एग्स और चीनी से दूर रहो, चीनी से दूर रहो, मत खाओ।
उससे फ़ायदा भी नहीं होगा, उससे सिर्फ मसला ये होगा कि तुम्हारा रिकवरी टाइम जो है वो डिले हो जाएगा, मसल बिल्डअप उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। एनीवेज बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट दिस वॉज अ समराइज्ड सेशन फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वन होपफुली इफ़ यू डोंट रिक्वेस्ट मी फॉर अनदर मसल वी आर गोइंग टू डू लेग्स, क्योंकि लेग्स आर असेंशियल, वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। और अदरवाइज होगा क्या कि जब ऊपर से बड़े हो जाओगे नीचे से छोटे रह जाओगे तो उसे कहते हैं KFC सिंड्रोम, कि ऊपर से बहुत बड़ा है नीचे से छोटा छोटा जॉनी ब्रावो की तरह। सो दिस इज इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम आउट।